फ्रेंड्स, एक बहुत ही अच्छा अपडेट YT स्टूडियो एप्लीकेशन में दोस्तों आ चुका है, जिससे आपको जानना दोस्तों बहुत ही जरूरी है। यदि आप YouTube पे वीडियो अपलोड करते हो और मेहनत करते हो, वीडियो बनाते हो, रोजाना अपलोड करते हो, तो आपके लिए वीडियो दोस्तों बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि दोस्तों ये अपडेट ही ऐसा है कि जिसे आपको जानना दोस्तों जरूरी है, जो आपके वीडियो पे व्यूज बढ़ाने के काम करेगा। फ्रेंड्स, यदि आप इस अपडेट को अच्छे से समझ लेते हो और उसे अपने चैनल पे ट्राई करते हो, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो पे स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आज के जो हमारे विनर है उनका स्क्रीन रिकॉर्डर मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इनके चैनल का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाकर दोस्तों इन्हें सपोर्ट कर दो। और यदि आप चाहते हो कि मैं आपके चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूं, फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, बस दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, बिना स्किप किए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक अच्छा सा कमेंट कर देना। साथ में यह भी बताना कि मेरी ये वीडियो का बैकग्राउंड इस वीडियो में कितनी बार चेंज होता है, आपको कमेंट ये भी करना है। फ्रेंड्स, तो बस मैं आपके चैनल का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि YT स्टूडियो पे जो अपडेट आया दोस्तों वो क्या है, किस तरह से काम करेगा आपके वीडियो में व्यूज लाने के लिए, दोस्तों उसके बारे में आपको थोड़ा सा समझाता हूं। फ्रेंड्स, तो ये अपडेट दोस्तों पहले से क्रोम ब्राउजर पे था, मतलब कि जो लोग डेस्कटॉप साइड करके क्रोम ब्राउजर पे अपना यूट्यूब चैनल ओपन करते थे तो वहाँ पे दोस्तों इस अपडेट को वो लोग पा सकते थे। लेकिन YT स्टूडियो में नया नया ऐड हुआ दोस्तों, और बहुत लोगों के चैनल पे फ्रेंड्स ये अपडेट जो है पहले से ही शो करा है, लेकिन दोस्तों अभी जो है कुछ नए लोगों को दोस्तों ये अपडेट दे रहा है। जैसे कि मुझे दोस्तों ये अभी नया नया दिया है, इस तरह का मुझे नया नया देखने को दोस्तों मिल रहा है यूट्यूब स्टूडियो में। यदि आपको भी दोस्तों इस तरह का देखने को मिल रहा है, आपको इसके बारे में जरूर जानना चाहिए। फ्रेंड्स, तो चले जाते अपने मोबाइल स्क्रीन पे और सीधे आपको बता देते हैं सब। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं मोबाइल के स्क्रीन पे और यहाँ से दोस्तों YT स्टूडियो एप्लीकेशन को हम ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, ओपन करना है, ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे व्यू मोर का ऑप्शन देखने को मिला है, एनालिटिक्स का दोस्तों ऑप्शन है, एंड भीम मोर पे दोस्तों आपको क्लिक करना। अगर यहाँ पे दोस्तों आपका ऐसा शो नहीं हो रहा तो इस थ्री डॉट पे दोस्तों क्लिक करना और यहाँ फ्रेंड्स आपको देखने को मिलेगा सबसे नीचे एनालिटिक्स का ऑप्शन, दोस्तों उस पर आपको क्लिक करना है। आपका कुछ इस तरह का चैनल का दोस्तों एनालिटिक्स ओपन हो किया जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऑडियंस के ऑप्शन पे आना है, यहाँ पे दोस्तों चार नंबर पे इस पर क्लिक करना है। फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको रिटर्निंग व्यूअर दोस्तों देखने को मिल जाएगा, उसके नीचे ही फ्रेंड्स ये अपडेट को ऐड कर दिया गया है। दोस्तों आप सब देख सकते हो ये ग्राफ जो है ऐड हुआ है दोस्तों नया नया अभी YT स्टूडियो में, दोस्तों बहुत सारे लोगों को ये नहीं दिया था। इससे दोस्तों ये फायदा होगा कि ये आपको एडजस्ट टाइम दोस्तों सही सही बताएगा कि कब आपके व्यूवर्स ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे साफ साफ लिखा है फ्रेंड्स कि वेन योर व्यूवर्स आर ऑन यूट्यूब, मतलब कि कब आपके व्यूवर्स यूट्यूब पे ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पे आपको क्लिक करना है फ्रेंड्स इस ग्राफ पे, तो ये ग्राफ आपका कुछ इस तरह से दोस्तों ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको नीचे में दोस्तों देखने को मिल जाएंगे फ्यू व्यूवर, मतलब कि कुछ व्यूवर, एंड मेनी व्यूवर का मतलब दोस्तों अधिक व्यूवर। तो यहाँ पे दोस्तों कलर दिखाया गया, जो दोस्तों कलर डार्क है, धुंधला दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो उस वक्त मतलब कि हमारे व्यूवर्स एक्टिव नहीं है, और जो फ्रेंड्स कलर बैगनी है हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स इस ग्राफ में, तो उस वक्त दोस्तों हमारे व्यूवर्स जो है एक्टिव है, यूट्यूब को अभी चला रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम भी दिखा रहा है हमारा, चार टाइम दोस्तों दिखाता है। इसके वाइज दोस्तों आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो कि आपके ऑडियंस किस वक्त सबसे ज़्यादा यूट्यूब को यूज करती है। फ्रेंड्स, तो उससे होगा क्या कि आपको यहाँ पे टाइम पता चल जाएगा कि मेरी ऑडियंस 6 बजे, 5 बजे या फिर 4 बजे, जितने बजे भी आपकी ऑडियंस सबसे ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों ग्राफ में आपके दिखा रहा है फ्रेंड्स, उसी टाइम आपको अपने वीडियो को अपलोड करना है। फ्रेंड्स, तो आपकी ऑडियंस एक साथ उस वीडियो पर दोस्तों क्लिक करेगी, तो उससे दोस्तों होगा क्या कि एक साथ आपके वीडियो पर व्यू जाएगा और आपका वीडियो पर दोस्तों अच्छा वॉच टाइम आ जाता है। तो किसी वीडियो पर अगर दोस्तों एक साथ व्यू जाता है तो यूट्यूब दोस्तों उस वीडियो को और ज़्यादा लोगों के पास भेजता है, और ज़्यादा इंप्रेशन देता है, लोगों को होम पेज पर दोस्तों शो करेगा आपका वीडियो, तो उससे दोस्तों और आपकी वीडियो वायरल होने का चांस रहता है एक साथ दोस्तों व्यू जाने पे। तो इसीलिए दोस्तों आपके जो व्यूवर्स एक्टिव हैं यूट्यूब पे, तभी आपको अपलोड करना चाहिए अपना वीडियो दोस्तों, जिससे आपका बहुत ही चैनल के लिए दोस्तों फायदा होगा और आपका चैनल दोस्तों ग्रो भी होगा और आपकी वीडियो पे ज्यादा व्यूज भी आएंगे दोस्तों कम टाइम के अंदर। बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये अपडेट कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताना, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।